मतलब एक सिंग वाला घोड़ा होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है? उड़ता है, यूनिकॉर्न के पंख भी होता है पर इसका उड़न खटोला एक टाइप का सिल्के जो बूरा बूरा होता है छोटे कलर उसको। ठीक ठीक, तो ये पूरा पेंसिल से क्राफ्टेड है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? होप सब लोग बढ़िया हैं। अभी मैं दिल्ली आया था तो अभी चाची लोगों के यहाँ हूँ, तो यहाँ पे बाकी लोग हैं, आपको मिलवाता हूँ उनसे। ये दिया है, पुनीत। हाय गाइस। बब्बू है। Hello. और वो चाची और वो चाचा जी। तो यहाँ पे आया था तो मैंने देखा दिया बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, मतलब ऑयल पेस्टल से और पेंसिल कलर से और वाटर कलर से सारे करे हुए हैं। तो दिया पहले तो इंट्रो दीजिए अपना, फिर आपकी पेंटिंग दिखाएंगे हम लोगों को, ठीक है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अमेंटू व्लॉग्स। मेरा नाम दिया है, आज मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊंगी। मैं ऑयल पेस्टल कलर से बनाती हूँ अपनी ड्राइंग। कौन से स्टैंडर्ड में आप? मैं सिक्स स्टैंडर्ड में हूँ। ये कब बनाई थी आपने? ये मैंने एक महीने पहले बनाई थी। अच्छा, तो ये किस दिन बनाई थी? अर्थ डे के दिन बनाई थी, है ना? हाँ। और इसमें कौन सा कलर यूज़ किया आपने? मैंने ऑयल पेस्टल कलर यूज़ किए हैं। ऑयल पेस्टल, आपको सबसे अच्छे कौन से कलर लगते हैं? ऑयल पेस्टल कलर लगते हैं मुझे। वही लगते हैं, वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई इन्होंने। ये सीढ़ियाँ हो गई, इधर पे ये कैक्टस है शायद, और ऊपर सन है। ये स्काई को इन्होंने डिवाइड किया है बहुत अच्छे कलर से। चले आगे बढ़े आप। ये क्या चीज़ है? ये है शॉप COVID-19 का पोस्टर। और हाँ, तो इसमें इन्होंने दिखाया कि डूज और डोंट्स क्या क्या हैं इसके। तो डूज मतलब वॉश योर हैंड्स 420 सेकेंड्स, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, वियर मास्क, और डोंट है अवॉइड क्राउड। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस नमस्ते, अवॉइड हैंडशेक, अवॉइड टचिंग आईज एंड नोज। वेरी गुड। और ये मेरी स्वान वाली है। इसमें देखिए दो स्वान है। रात का टाइम का है शायद, इसलिए काले दिख रहे हैं, वैसे ये वाइट होने चाहिए थे। बाकी इसमें भी कुछ बनाया नहीं है। हाँ इसमें बनाएंगे, लेकिन जो अभी तक की पेंटिंग देखी बहुत अच्छी थी वो। अब दूसरी स्केच बुक दिखाएं आप, ये लेटेस्ट है ना ये वाली? हाँ ये अभी लेटेस्ट है। ये देखिए डॉल बनाई थी, ये लगता है पुरानी है जब इन्होंने शुरू किया होगा, लेकिन फिर भी मैडम ने इनको A+ दिया हुआ है ना इसने। और ये डॉल बनाई है इन्होंने, इसमें कुछ क्राफ्टिंग वगैरह करी हुई है। पेंसिल के छिलके देख सकते हैं आप, पेंसिल को छीलते हैं ना कटर से, शार्पनर से, तो उससे निकला हुआ है सब। और यहाँ पे भी ये ऑयल पेस्टल से शायद निकाला हुआ आपने, या क्या चीज़? छिलके जो बूरा बूरा अच्छा, होता है, छोटे थे कलर जो। ठीक ठीक ठीक, तो ये पूरा पेंसिल से क्राफ्टेड है पूरा, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। और मेरी ये है आर्मी वाली, ये आर्मी की है। और ये कृष्णा जी वाली है। ये कृष्णा जी, ये कलर कौन से यूज कर रहे हैं आपने? मैंने ये ऑयल पेस्टल कलर यूज करती हूँ मैं। इसमें भी वही है? हाँ। ठीक ठीक, ये मैंने सिंपल क्रियोन या पेंसिल कलर से किए हैं। अच्छा ये पेंसिल कलर है, गुड। सब में तो वेरी गुड मिला हुआ। ये मैम ने दिया, आपने खुद लिखा है? ये मैंने ऐसे लिख दिया था। ये क्यूब क्यूब, अच्छा मैम ऑनलाइन बोलती थी वेरी गुड, तो आप उसके भी यहाँ पे लिख लेते थे, है ना? हाँ। ये क्यूब बनाया आपने, ये किस चीज से बनाया है? ग्लू से बनाया था मैंने। ग्लू से? ग्लू गन से? ग्लू से बनाया केवल। ठीक ठीक, ये क्या है? सनराइज पिक्चर है। ये टॉर्नेडो है शायद। टॉर्नेडो है, मुझे तो कौन सा दिख रहा है, लेकिन टॉर्नेडो है ना। कौन, मैं भी भूल गई इसका नाम क्या। 3D कौन बनाया है ये मुझे भी नहीं पता इसका क्या। ये सरस्वती की वीणा है, उसके ये स्वान है, हंस उनका वो है ना जिसमें बैठती हैं वो, ये कमल है, तो ये एक उसका एजुकेशन का वो है ना। ये तो कॉपी के पीछे चिपका हुआ था, मैंने इसमें चिपका के इसमें कलर कर दिया इसे। वेरी गुड, तो दो तो ख़त्म हो चुकी हैं अभी ड्राइंग बुक आपकी, अब तीसरी है ना।
ये कौन सी क्लास की है? ये मेरी है फिफ्थ सी की। फिफ्थ सी, ओके। ये हनुमान जी की है और ये वाली जो है वो मैंने प्रिंटिंग से पेंट कलर से बनाई थी। मेरे पास पेंसिल वाले पेंट कलर हैं जिनको हाथ में लगा के ऐसे छापते हैं तो वो छप जाते हैं। अच्छा, तो ये हाथ से बनाया है, मतलब हाथ छाप, हाथ से छाप के? हाँ, वाटर पेंसिल। और ये मैंने ब्यूटीफुल प्लैनेट्स वाला बनाया है। सबसे ब्यूटीफुल कौन सा प्लैनेट है? ये वाला लगा मुझे। रहते कहाँ हम? वो सुंदर नहीं है ना? अर्थ में, ये लग गया, ये हाँ ये। ठीक है ठीक। ये लीसा की बनाई थी मैंने। लीसा ये कौन है? अच्छा, कार्टून है क्या? ठीक ठीक। और ये मैंने ऑगी बनाया है। तो कॉकरोचेस कहाँ है? कॉकरोचेस मेरे को अच्छे से नहीं आ रहे थे बनाने, तो मैंने बनाया। ये 3D शेप है डायमंड। ये देखो, ऐसी शेडिंग तो मैं भी नहीं कर पाता अभी स्केचेस में, है ना। ये जो करी हुई है ब्लेंडिंग करी है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने। मैं टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग करती हूं। हाँ, उससे स्मूथ होती है, बहुत बढ़िया। ये बारिश तो नहीं हो रही है? अच्छा, धूप हो रही है। ठीक ठीक। ये आईज है, ये आईज बहुत अच्छी बनाई है आपने। ये अम्ब्रेला यूनिकॉर्न वाला। और ये काका गाय वाले बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड, ये मुझे स्कूल से मिला था तो मैंने इसकी भी ड्राइंग बना दी। अच्छा। और ये मैंने नंबर से ड्राइंग बनाई है। गुड। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 ये मैंने खुद बनाई थी। ठीक है। ये मेरी यूनिकॉर्न है, यहाँ पे पता नहीं क्या था मैंने फाड़ दिया वो। ये यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न है, मतलब एक सिंग वाला घोड़ा होता है। यूनिकॉर्न क्या होता है? उड़ता है। यूनिकॉर्न के पंख भी होते हैं पर इसका उड़न खटोला एक टाइप का। ये फनी फोटोज हैं। अच्छा, ये काट के चिपकाए हैं ना? मैं जो न्यूज़पेपर में से मैं पिक्चर्स काटती हूँ जैसे रिपब्लिक डे की, तो मैं इधर चिपका देती हूँ। ठीक। ये मैंने ऐसी बनाई थी आईज। ये मैंने बर्ड बनाई है। कौन सा बर्ड है ये? फ्लेमिंग बर्ड है शायद। ये नहीं, वो ये मुझे किसने बनाई है? ये भी मैंने बनाई है। ठीक है। ये भी ऐसी है, ये मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। अच्छा, मैरीगोल्ड झूला वाला। बाकी खत्म हो गई। ये आइसक्रीम है, ये पता नहीं क्या है, ये पेस्ट्री है शायद। ठीक है। तो ये तो शायद पुरानी होंगी, लेकिन जो लेटेस्ट थी वो ये वाली थी। इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग करी हुई उन्होंने, आपने देखा भी। ये देखिए, ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला पोर्शन, तो बहुत अच्छा। ऐसी ये इनका मटेरियल है, ये ऑयल पेस्टल्स हैं। और ये इसमें भी कलर है, पूरा पैक है इनका। और भी मटेरियल है, अभी दिखा नहीं पाएंगे, बहुत इतना टाइम है नहीं अभी, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा बाद में ही दिखाना। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट दिया आपको, है ना। थैंक यू दिया, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। थैंक यू। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? क्या कहूँ? क्या कहूँ? कुछ भी। आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं? हाँ देखती हूँ। अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं। उसमें सबसे अच्छा कौन लगता है व्लॉग में? अमित, पिंटू या कोई और? अच्छा, पिंटू लगता है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे बब्बू है, कुछ बोलेंगे आप? मैं तो बोलूंगा ऐसी व्लॉग बनाते रहो। अच्छा, और हम तो टाइम पास करते रहो। चाची जी कुछ बोलेंगे? हेलो गाइस, आप इन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। बाय। चाचा जी। हेलो गाइस, ये वीडियो देखते रहे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहे और आगे शेयर भी करते रहे, इनका हौसला बढ़ेगा। गाइस, मैं कैमरे के उस साइड था, अब मैं इस साइड हूँ। वीडियोस बहुत अच्छे हैं, तो इन्हें लाइक जरूर करना और कमेंट छोड़ देना। ठीक है, थैंक्स सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं सारे सेफ रहें, सुरक्षित रहें।
इसी के साथ बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जहाँ जहाँ स्टे कर सकते हो करो, ठीक है, फिर बाय अभी।